Hello students, today we will be solving a problem of class 10th chemistry, metals and non-metals. The question says, reaction of copper with dilute nitric acid produces, first option is NO, second option is NO2, third option is N2O2 and fourth option is N2O3. तो अगर हम copper के बारे में बात करें, copper का reaction किसके साथ कराना है, solution लिख लेते हैं यहाँ पे, copper का reaction हमें कराना है किसके साथ, dilute nitric acid के साथ. मतलब HNO3 के साथ, HNO3 डाइल्यूट के साथ हमें कॉपर का रिएक्शन कराना है. तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस इसके साथ NO गैस भी जो है वो रिलीज होगा, NO गैस रिलीज होगा. अगर हम इसको बैलेंस करें, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड, मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड, ताकि हमारा जो टोटल मास है वो क्या हो सके, इक्वल हो सके. इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं. तो हमें इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉपर यहाँ पे कितना है, Cu 2 है, और NO3 कितना है, NO3 यहाँ पे 2 है. तो NO3 2 है और कॉपर जो है वो 1 है. तो पहले हम मान, यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. और फिर यहाँ पे कॉपर क्योंकि 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 8. तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन टोटल जो है वो कितना है, इधर 8 है, इधर टोटल नाइट्रोजन 6 है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये कम्प्लीट हमारा जो है रिएक्शन बैलेंस हो गया. तो जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या प्रोड्यूस हुआ है, NO प्रोड्यूस हुआ है. मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. Thanks for watching the video. Subscribe to our YouTube channel.